देखिए, पूरे देश के अंदर पूर्ण रूप से कोई भी चीज अगर बंद की जाती है तो बंद नहीं होता है, लेकिन जो हमारे किसान भाइयों ने एक ऐलान किया था, किसान नेताओं ने, भाई देशव्यापी हड़ताल होगी और भारत बंद होगा, तो उसमें बहुत कुछ हमें कामयाबी मिली है और हर जगह मिली है। कहीं 80% है, कहीं 90% है, कहीं 70% है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि अभी शादी वगैरह चल रही हैं तो उनमें कुछ लोगों में थोड़ा सा ढील रहा है, तो वो मैं हड़ताल में उसमें कोई अटकाव नहीं है, और ना ही ये कह सकते कि भाई हमारी हड़ताल कामयाब नहीं हुई। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हड़ताल हमारी कामयाब हुई है और सभी लोग उसमें तन मन धन से लगे हैं। हाँ, स्वाभाविक है, मानेगी, और जो भी हमारे किसान नेता हैं वो बहुत ही तरीके से, सभी लोग बुद्धिजीवी हैं इसमें, और सभी अपने अपने काम को अपने बखूबी निभा रहे हैं और अपनी ताकत भी लगा रहे हैं और लोगों को एक बता भी रहे हैं कि हमें क्या करना है, एक डायरेक्शन भी दे रहे हैं। तो इसमें बहुत हद तक कामयाबी मिलेगी और स्वाभाविक है, सरकार विचार करेगी बदलने पे या उसमें फेरबदल करने पे, या कोई ना कोई चीज ऐसी लाएगी कि किसान और सरकार के मनभेद थोड़ा खत्म हो। ये अगर सरकार मानती है तो ये झुकना, किसी बात को कोई व्यक्ति मान लेता है तो वो झुकना नहीं होता, बातचीत खत्म करने वाली बात होती है कि भाई चलो इस मनमुटाव को खत्म करते हैं, तो इस तरीके से हम काम करना चाहते हैं। तो झुकना ना झुकने की ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक किसान भी नहीं चाहते कि भाई हम अड़के बात करें और सरकार भी ये बात नहीं चाह रही भाई अड़के बात करें। लेकिन अब जब सरकार ये नहीं मानेगी तो किसानों की बहुत बड़ी मजबूरी होगी एक अड़ना और सरकार को झुकाना, ये भी निश्चित है। जिले में किसान किसान जो आंदोलनकारी किसान है वो जिले के बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया। ऐसे में नेशनल हाईवे जाम है, केएमपी केजीपी जाम है, तो क्या कहेंगे इस बारे में कि उन्हें रोकना ठीक था या फिर उन्हें जाने देना चाहिए था? देखिए कि स्टैंप होता है भाई, कौन से स्टैंप को सरकार को क्या लग रहा है, तो वो लोग अपने अपने ताकत होती है, हर जगह जाके अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने अपने रूल बदल जाते हैं, वहाँ के एसपी अलग होते हैं, डीएसपी अलग होते हैं, थानेदार अलग होते हैं, उनको क्या डायरेक्शन है, हमारे पलवल के एसपी का क्या डायरेक्शन है, फरीदाबाद का क्या डायरेक्शन है। तो यहाँ से तो वो लोग आगे को लिए बढ़ा दिए थे, लेकिन मेरे ख्याल से फरीदाबाद पुलिस ने वो लोग हमारे कुछ नेताओं को रोका है। तो ऐसे रुकनी कब तक रोकेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई वो एकदम से पूर्ण रूप से रुक जाएंगे, लेकिन इधर उधर से कहीं ना कहीं से वो अपना अपना रास्ता निकाल रहे हैं और जा रहे हैं। आज हजारों लोगों ने, पलवल के हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर किसानों का समर्थन किया है, तो इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी बात है, मेरे पलवल जैसे क्षेत्र के लोगों में बहुत जागरूकता है और किसान यहाँ बहुत ही एक दिल दिमाग रखता है, और यहाँ की जो लीडरशिप है वो भी बहुत तरीके का अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक ताकत बन रही है दोनों तरफ से। सरकार, ये सारी चीजें सरकार पे दबाव बनाने के लिए किया जाता है और वो कर रहे हैं लोग।